पिछले पार्ट में आप सबने देखा कि हम अपने नए घर में आए और उस नए घर में हुई भूत की एंट्री। उस भूत ने हमें बहुत डराया, बहुत धमकाया, हमसे वो काम करवाए जो हमने कभी नहीं किए थे। उस भूत ने हमें बहुत परेशान किया और एट द एंड उसने हमारी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। हमारी तो हमारी, उन्होंने डॉक्टर का भी सब कुछ छीन लिया। और अब हमें जानना था कि वो आखिर मरा कैसे, वो आखिर भूत बना कैसे। तो आइए जानते हैं भूत की कहानी उसी की जुबानी। बेटा बुला लेना उसको, कब आएगा? मेरा तो बहुत मन कर रहा है ये पीने का। अरे चौड़ा हो गया बैठा है, उसे बुला भी ले यार भूत प्रेत को। अरे पापा मैं उसको कैसे बुला लूं, मेरे पास क्या उसका मोबाइल नंबर है? मैं तो इतना सामान ले आया उसकी स्टोरी सुनने के लिए। धीर भाई तुम ही कुछ करो यार, कोई जंतर मंतर मारो, जल्दी बुलाओ उसको। अरे क्या बुलाऊं, तुम्हारे चक्कर में मेरी आधी 100 करोड़ की जायदाद चली गई, अब सिर्फ मेरे पास 100 करोड़ रुपए बचे हैं। बस उसको लेके मेरे को कहीं से कैसे ना कैसे निकलना है यहां से। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी देखा भूत राजा, मेरा आइडिया था तुम्हें यहाँ पे बुलाने का। मेरे पास तो इस वक्त कुछ भी नहीं है, फूटी कौड़ी तक नहीं है। भूत से मजाक करता है। हाँ और बुला ले इसको। अच्छा भूत भाई साहब, अब आप आ तो गए हो, अब स्टोरी तो सुना दो ना। हाँ स्टोरी तो सुनाने आया हूँ, नहा दो के। नहा दो के? ये पापा ना दो क्या है, बस कपड़े कपड़े चेंज दिख रहे, इसकी शक्ल देखना, नहाने वाली शक्ल है इसकी। चुप रहे, नहाया तो 3 दिन से मैं भी नहीं हूँ, उसकी स्टोरी सुन ले बस। अरे अपने लड़के को चुप कराओ, अरे कितना अच्छा नहा धोया लग रहा है, मेरे को तो सिंथोल साबुन की खुशबू भी आ रही है। बड़ाई करो इसकी बड़ाई। हाँ हाँ आ रही है आ रही है। अरे भूत भाई साहब अब सुनाओ ना। हाँ सुना दूंगा, पहले मुझे कुछ खाना है और प्यास भी लग रही है ना। हाँ हाँ ये सारा आपके स्वागत के लिए ही तो रखा है। 2 गिलास लेने दे लेने दे। अबे भाई अब क्यों रो रहा है तू, अब तो बता दे स्टोरी सुना दे। अरे भाई जब मैं जिंदा था ना, तो जब मैं कोल्ड ड्रिंक पीता था तो बीड़ी भी पीता था। अबे अब बीड़ी कहां से लाए तेरे लिए, हम तो सिगरेट पीते हैं। हम लोग मतलब सिर्फ मैं ही पीता हूँ, तुम भी पीते हो? अरे मेरा मतलब मेरे पापा, पापा सिगरेट पीते हैं, बीड़ी नहीं पीते। बीड़ी कहां से लेके आए तुम्हारे लिए? अरे क्या बात कर रहे हो, बीड़ी का बंडल मैं देता हूं ना, मेरे पास है। 200 करोड़ का मालिक और बीड़ी पी रहा है? अरे भाई अंदाज अपना अपना, स्टाइल अपना अपना। इले भूत राजा। अबे भाई अब तो बीड़ी भी पी ली, अब तो सुना दे। हाँ तो ये बात तब की है। अरे रुको रुको भूत भाई साहब, 2 मिनट रुको। Yes! सालो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना रहा हूँ, दुख भरी कहानी, और तुम चीयर्स कर रहे हो। एक्चुअली तुम स्टोरी सुनाने थे ना, हम थोड़ा मूड में आ रहे थे। आपकी थोड़ी लंबी स्टोरी होगी ना, तो उसमें हमारा भी तो कुछ होना चाहिए ना। चलो ठीक है सुनो अब। हाँ तो ये 9 दिनों की बात है, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे 3-4 हरामी दोस्त थे, उन्होंने मुझे बीड़ी पिलाना सिखाया, तो मैं उनके साथ बीड़ी पीता रहता था 24 घंटे, बीड़ी 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 बीड़ी। फिर मैं बड़ा हुआ। एक मिनट ओ भूत भाई, ए बीड़ी के बंडल से बाहर भी निकला? अरे आ रहा हूं ना, बस पॉइंट पे आ रहा हूं, एक मिनट। हाँ तो मैं बड़ा हुआ, मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। जैसे ही मेरी शादी हुई, मेरे फेरे होने शुरू हुए, मैंने मंडप पे कह दिया पहले मैं बीड़ी पीऊंगा उसके बाद मैं फेरे लूंगा। तो फिर मेरे लिए बीड़ी आई, फिर मैंने बीड़ी पी, तो मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद
मैंने कोई काम नहीं किया सारी जिंदगी, बस मैं बीड़ी पीता रहा, बीड़ी बीड़ी बीड़ी, हमेशा मैंने बीड़ी पी। एक दिन मैं सुबह को उठा, मैं टॉयलेट गया, जैसे ही मैं टॉयलेट में बैठा मैं भूल गया कि मेरे पास बीड़ी नहीं है। मैं बाहर आया, मैंने अपनी वाइफ से पूछा मेरी बीड़ी कहाँ है, उसने बोला कि तुम्हारा मंडल रात ही खत्म हो गया था। मैं गया बाहर, बाहर जाके मैंने खोके पे से बीड़ी का मंडल लिया। बीड़ी का मंडल लेके जैसे ही मैं वापिस आ रहा था, जैसे ही मैंने रोड क्रॉस किया, उधर से एक कार बहुत स्पीड में आई। इधर से मैं चला, उधर से कार चली, मैं तेज कार तेज, मैं तेज कार तेज, मैं कार धड़ाम। पापा गाड़ी से एक्सीडेंट होके मर गया ये। तो सैड। अबे नहीं, कार से मैं तो बच गया लेकिन मेरे हाथ से मंडल छूट गया और गाड़ी के पहिए के नीचे आके टूट गया। तो फिर मैं इस सदमे में मर गया, मुझे हार्ट अटैक आ गया, मिडिल क्लास फैमिली से था ना। अबे तेरी स्टोरी सुनने के लिए हम कितने एक्साइटेड थे, ये देख कितना सामान लेके आए थे, सर्वनाश कर दिया इसने। अबे कैसा आदमी है तू, कैसा भूत है तू, एक बीड़ी के मंडल के लिए तू मर गया, तेरे को हार्ट अटैक आ गया। अबे मेरे को बोल देता एक बार बीड़ी का मंडल, क्या तेरे को पूरा पैकेट दिला देता मैं, हम तो दुकान खुलवा देते तेरी, इतना पैसा था हमारे पास। एक बीड़ी के मंडल के लिए पूरी प्रॉपर्टी खा गया करोड़ों की। एक बीड़ी का मंडल, पूरी प्रॉपर्टी का कागज, और तो और बीड़ी के बंडल के लिए मेरा आधार कार्ड भी, एक बीड़ी के बंडल के लिए, बड़ा कमीना भूत है यार। वैसे भूत राजा एक बार बताऊं, तुम्हारी स्टोरी से बहुत अच्छी स्टोरी तो साजिद खान की फिल्मों में होती है, और उससे अच्छा ये होता है आप। क्या कर रहे यार, इतना गंदा पात तो मैं भी नहीं मारता। खाते हो क्या? और तू भाई भूत कहलाने के लायक ही नहीं है। भूत का मजाक उड़ाया तुमने, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। अब तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकते, अगर तुम इस घर से बाहर चले गए तो तुम आजाद हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कर लो कोशिश, करो, 24 घंटे हैं तुम लोगों के पास, अगर इस घर से बाहर निकल गए तो आजाद हो जाओगे, वरना यहीं कैद हो जाओगे। मतलब हमें अपने घर से बाहर जाना है, उसके बाद तुम चले जाओगे? बस इतनी सी बात, बस बाहर जाना है, चलो अभी चलते हैं। अरे ये घर तो इनका है, मैं तो बाहर वाला हूं, मैं जाता हूं यहां से। तू बहुत बड़ा डॉक्टर बनना था ना, तू भी इनके साथ ही मर। गया। अब पापा, पापा, मम्मी। मैं क्या कह रहा हूँ, भूत गया, अब वो जाते ही सोएगा, 4-5 घंटे वो उठने वाला नहीं। 4-5 घंटे क्या, हमें तो 2 मिनट लगनी है, अभी निकल जाते घर से बाहर, चलो चल। अरे मेरे पास भी यही आइडिया था, मैं तो पहले ही कह रहा था। तू और तेरे आइडिये, भागा से चलो। क्या हुआ? मेरे को लग रहा है भूत अभी तक सोया नहीं है, और उसने ये जाम कर दिया, बंद कर दिया। रुक, इसकी चाबी मेरे पास है, खोल। खुल गया, जल्दी आओ, चुपचाप निकलो निकलो। समझा भूत को, हैं? गेम खेल रहे हो मेरे साथ? ये जो तुम गेम खेल रहे हो ना, इसका अंजाम बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। गेम तो अब मैं खेलूंगा, बहुत मजा आएगा।
पापा ये एक जगह कैसे भाग रहे हैं, ये क्या हो रहा है? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा यार। बोला था ना गेम खेलेंगे। गेम खेला जाएगा? कौन सा? फ्री फायर या पबजी? चलो फोन निकाल लो, फोन निकाल लो अपने अपने। अबे भाई भूत मार क्यों रहा है? बता ना तेरे को क्या चाहिए, कौन सा खेलना है? बेटे तेरी उम्र का गेम नहीं, तेरे पापा की उम्र का गेम। छुपम छुपाई। राइट। अरे एग्जैक्टली मैं भी कहने वाला था। ए तो चुप कर रहे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं छुपने जा रहा हूं, तुम सब मुझे ढूंढोगे क्या? ओ आईडिए, जा ढूंढ के ला। हाँ एग्जैक्टली, अब तुम ही ढूंढोगे। चलो जाओ ढूंढो ढूंढो चल। तू हर वक्त मेरे नाक में डंडा रखती है ना, जा ढूंढ के ला उसको, जा ढूंढ के ला। ईसा है दोनों बाबू बेटा, तुम ढूंढो, मैं चाय बना के लाती हूँ भूत के लिए। हाँ सुनो, अदरक डाल देना। पापा हाँ, हम दोनों इकट्ठे चले। एक मिनट रुको, ठीक है चलो। ढूंढो ढूंढो, मैं तो बहाना लगा के आ गई, तुम भूत को ढूंढो, मैं चाय बना रही हूँ, भूत भी खुश। यो बुढ़िया, या तो चाय बनाएगी या फोन में लग रहेगी, इसको मजा चखाता हूँ। कहाँ से आ गया? भूत के लिए चाय बना रही थी मैं तो। मिला क्या? नहीं मिला। मुझे लगता है मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। एग्जैक्टली मेरा दिमाग। ओ माय गॉड, इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं था। टिंग 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 टिंग, ये रहा। मुझे और पापा टाइम भी कम ही बचा, अगर 24 घंटे में हम नहीं निकले इस घर से तो हम हमेशा के लिए निकल जाएंगे। शुभ शुभ बोल बेटा, शुभ शुभ बोल। आइडिया। ओ चुप, तू और तेरा आइडिया। मेरा नहीं, इसका इसका मेरा आइडिया पापा, मेरा आइडिया। अब तेरे को आइडिया आने लग गए? हाँ पापा, एक बार सुनो तो सही। सुनो पापा। जो वो पीछे वाला प्लाट है, पीछे वाला। हाँ हाँ, उसके पेपर तो नहीं दिए थे ना भूत को? नहीं नहीं नहीं, उसने नहीं दिए। हाँ। पर यहाँ क्यों बता रहा है? वो पेपर हम पे हैं। हाँ, वो भूत भूत को नहीं देने, हमें नहीं देने, छुपा के। हाँ। उसका जिक्र ही मत कर तू, वो छुपा रखे मैंने। अरे एग्जैक्टली। चुप, अब तू चुप कर, चुप। अब कौन सा गेम? अरे तुमने तो हमारे तोते पहले से उड़ा रखे हैं, अब तोता मैं ना खेलोगे? अरे चुप रहो, वो खेल मेरे को आता है। अबे मेरे को आता है। कौन सा गेम है ये, मेरे को तो पता ही नहीं। वो हमारे टाइम का है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। अरे बेटा मैंने भी खेल रखा वो। चिंता ना कर, जीतेंगे उसमें। अरे पापा ये क्या गेम है ये, तोता उड़ मैं ना उड़ू, क्या होता क्या इसमें? अरे बेटा कुछ नहीं होता, मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ इसका। एक बात का ध्यान रखना, जब वो उड़ने वाले पक्षी के लिए बोले ना उड़, तो कर देना उड़, और बिना उड़ने वाले जानवर का नाम ले तो उंगली मत हिलाना, बस इतना सही गेम है। Exactly. तो चुप कर रहे, बस अब चुप रह गए। तो गेम शुरू किया जाए। हाँ हाँ, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़,
घोड़ा उड़। नहीं, हमारे यहाँ घोड़ा नहीं उड़ता। घोड़ा तो उड़ेगा और तुम उड़ाओगे। ऐसे कैसे उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। घोड़ा उड़ा दिया, उड़ा दिया। आपने बोला, हमने घोड़ा उड़ा दिया। इसमें क्या बड़ी बात थी? अगला बोलो। बेटे, अपने बाप से पूछ, घोड़ा उड़ाने पे क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है पापा घोड़ा उड़ने के बाद? बेटा, थप्पड़ मारना पड़ता है एक दूसरे को। सुनो, इस गेम में तो ना कोई जीता ना कोई हारा, तो नया गेम खेलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तुम सबकी आंखों पे पट्टी बांध दी है। तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें मुझे ढूंढना है। ढूंढो। अरे पापा। हाँ बेटा। इस भूत ने तो परेशान कर दिए, कभी कोई गेम कभी कोई गेम। थका दिया यार। पापा, सिर्फ एक घंटा बचा है। अगर एक घंटे में हम इस घर से निकल गए तो निकल गए, वरना हम निकल गए। एक और दुख है बेटा, मेरी सिगरेट खत्म हो गई। ये बड़ा दुख है। ये करोड़पति है ना धीर भाई, तुम्हारे पास बीड़ी का बंडल, एक बीड़ी पिला दो यार। मेरे पास नहीं है। एक बीड़ी बस प्लीज, एक बीड़ी पीऊंगा। अरे देखो, ले देख ना, मेरे पास सिर्फ एक बीड़ी का बंडल बचा हुआ है, और वो भी तुम ले लो। एक ही पीऊंगा, एक। हाँ, एक ही। अबे कमीने, तू बीड़ी पीने लग गया? अबे पापा, मैं बीड़ी नहीं पी रहा। तो क्यों लिया? पापा, यही तो वो चाबी है जिससे हम इस घर से बाहर निकलेंगे। अबे ये चाबी नहीं है, बीड़ी का बंडल है। वो मेरे को भी पता है पापा, ये बीड़ी का बंडल है, पर ये चाबी है। अरे मैं समझ गई अपनी बेटे की चलाकी। क्या मम्मी, क्या समझे? हम दोनों पियेंगे ना। अरे क्या पियोगी मम्मी, बीड़ी बीड़ी क्या पियोगी? बीड़ी का बीड़ी 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 रे। अरे मम्मी चुप रहो आप। पापा, आपको याद नहीं है जब वो भूत अपनी स्टोरी सुना रहा था, जब उसने क्या कहा था? मैं बीड़ी के बंडल टूटने से मरा था, उसको हार्ट अटैक आया था। मतलब वो इस बीड़ी के बंडल से डरेगा, वो इससे प्यार करता है, वो इसको टूटने नहीं दे सकता। अरे वाह बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। यहाँ होता है प्राउड ऑफ यू माई सन। एग्जैक्टली आई एम सेइंग द सेम। तू चुप कर रहे। पापा, भूत को बुलाता हूँ मैं अभी। बुला, बुलाओ उसे आप। भूत भाई साहब, भाई साहब, बीड़ी का बंडल मिल गया, बीड़ी का बंडल। आओ आओ। बीड़ी, बीड़ी। पियोगे? बीड़ी पीनी है, बीड़ी पीनी है। तोड़ो। काम कर रहा है ना प्लान। तोड़ो इसे। तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं। तोड़ दे बेटा, तोड़ दे। अबे बुड्ढे, तोड़ना नहीं। अबे बुड्ढा किसको बोला? अरे पिताश्री, इसके पिताश्री, तोड़ना नहीं। बीड़ी नहीं तोड़ रहे, नहीं तोड़ रहे हम। तो हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी आपको। शर्त? कैसी शर्त? हम इस घर से यू बाहर निकल जाएंगे, यू करके। ऐसा तो हरगिज नहीं होना। हैं, तोड़ू? कौन कह रहा नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। जाओ जाओ, बीड़ी नहीं तोड़नी। चलो चलो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, जाओ जाओ जाओ। ओके भूत भाई साहब, बाय। जा रहे हैं।
इस भूत ने हमसे क्या क्या नहीं करवाया, मगर जो भी करवाया हमें जीना सिखाया। और आखिरकार आज इसे भी मुक्ति मिल ही गई। एक और केस मैंने सोल्व कर दिया, देखा मेरा आइडिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, तुम्हारे घर में भूत भूत कुछ नहीं है। अब आपको मेरी फीस 2 करोड़ रुपए मेरे स्विफ्ट बैंक अकाउंट में जमा करानी है। 2 करोड़? यस यस। एक मिनट पापा, बाकी तू दे। ये तो 1 करोड़ थे। नहीं नहीं बेटा, ये लो 2 करोड़। पापा इसको।